हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ रेडमी नोट 10 प्रो को लेकर। तो दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी नोट 10 प्रो या नोट 10 प्रो मैक्स है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास भी सेम यही मॉडल है। ये अबाउट डिवाइस में जाके आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप इसकी डिटेल देख सकते हो। तो इस फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो अबाउट फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर है उसको, अगर कोई अपडेट आ रखा है लेटेस्ट, तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट जैसे कि मैंने कर रखा है अपने मोबाइल में। इसके बाद आपको एक नया फीचर ऐड हो रखा है इसमें मेमोरी एक्सटेंशन के नाम से। तो इसके लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, एडिशनल सेटिंग पे जाना पड़ेगा नीचे की तरफ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेमोरी एक्सटेंशन का। इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यदि आप इसको ऑन कर देते हो इस तरह से, तो यहाँ पर कुछ नीचे लिखा आएगा कि रिमूव योर डिवाइस टू अप्लाई चेंजेस, यानी कि ये जो सेटिंग है ये अप्लाई करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन को रिमूव करना पड़ेगा। आप चाहो तो हाथों हाथ करो या फिर बाद में भी कर सकते हो। तो मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ, लेटर कर देता हूँ। तो इसको ऑन करने के बाद अगर आपके पास जो रैम है, जैसे कि 6 GB रैम भी अगर आपके मोबाइल में कम होती है या फिर आपको लगता है कि आपके मोबाइल में रैम ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप इसका यूज़ करके अपनी जो स्मार्टफोन की जो रैम मिली है पहले से उसको बढ़ा सकते हो 3 GB तक। तो जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया और जैसे मैं इसे रिबूट करूंगा तो मेरे स्मार्टफोन की रैम है वो 3 GB और बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो 3 GB रैम बढ़ने के बाद आपका जो मेन स्टोरेज होता है जिस पर आप अपना कोई भी डेटा स्टोर करते हो, वहाँ से 3 GB आपका कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आप बंद कर दो, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से वापस ऑफ कर दो और इसको वापस रिबूट कर देना। तो आपका जो स्मार्टफोन है पहले नॉर्मल वाली जो रैम आपके पास ऑफिशियली आती है वही रहेगी, जैसे 6 GB है तो 6 GB ही रहेगी। तो इसको मैं लेटर कर देता हूँ। तो इस तरह से आप मेमोरी एक्सटेंशन का यूज़ करके अपने मोबाइल की रैम बढ़ा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है जिसका रिजल्ट काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम से था और मुझे भी था, लेकिन ये जो फीचर है अभी आया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगली बार इस मोबाइल से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ये चाहे वो टिप्स ट्रिक की हो या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।